चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे भाषण दे रहे हैं। आप बोलिए ना। का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं? ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। लेकिन आपको बैकडोर से शासन करना था। एक ज्ञान आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? एमसीडी किया, क्या हुआ? हासर आपका दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहे। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है। चार दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है, मैं जरूर जवाब देना चाहता हूं। मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार, मगर राजनीतिक टिप्पणियां कर गई तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी चाहिए। राजीव रंजन जी, लोकलाज बोल आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, और चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए, लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती हैं। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया, वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केरल में, माननीय अध्यक्ष जी, केरल में कम्युनिस्ट कांग्रेस और एलडीएफ और यूडीएफ दोनों आमने सामने थे। माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता के